आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल। एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल पोजेसेस थ्री काइंड्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल पोजेसेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद ईच एटम और बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन। रूम टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लोएस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब उन पर यूवी विजिबल फॉल करती है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं या हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या होता है? एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल पोजेसेस वाइब्रेशनल एनर्जी ड्यू टू द पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स एटम्स from their equilibrium positions. Rotational energy level. An isolated molecule possesses rotational energy level by virtue of its rotation about its center of gravity. जब कोई भी molecule अपने center के around rotate करता है तो इट्स मीन के वो rotational energy level में होता है। In polyatomic molecules, each electronic energy level has associated with it various vibrational energy levels with less energy difference and rotational energy levels with even lesser energy difference. जो electronic energy levels होते हैं उनमें rotational energy levels की energy कम होती है than vibrational energy levels. The electronic transition can occur from any of the vibrational and rotational energy levels associated with the lower electronic energy level to any of the vibrational and potential energy level associated with the higher electronic energy level. जो lower electronic energy level होता है वहाँ से electronic transition start होती है और electron जो है वो higher electronic energy level में move कर जाता है, जैसे कि यहाँ पे figure में बताया गया है। E naught जो है ये ground state है, यहाँ से molecule जब visible यूवी विजिबल रेस अब्जॉर्ब करता है तो ये एक्साइट करके हायर एनर्जी लेवल में मूव कर जाता है। सिमिलरली वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस कैन अकर फ्रॉम एनी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू एनी ऑफ द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन है ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रॉन्स लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से एक्साइट करके हायर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में मूव कर जाते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की ट्रांजिशन ई नॉट से ई वन में तब होती है जब वो मॉलिक्यूल या तो एनर्जी अब्जॉर्ब करे या फिर अमिट करे। द मॉलिक्यूल एज द होल प्रोसेस The molecule as the whole possesses an amount of energy which is the sum of its electronic, vibrational and rotational energy. Thank you.